साथियों, देश का संपूर्ण विकास करने के लिए देश का संतुलित विकास भी उतना ही आवश्यक है। कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में आगे चले जाएं और कुछ क्षेत्र दशकों पीछे रह जाएं, ये असमानता किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। भारत में भी जो हमारा पूर्वी हिस्सा रहा है, ये पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, विकास की इतनी संभावना होने के बावजूद इन क्षेत्रों को देश में हो रहे विकास का उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का ये क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। मैं यूपी के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे जिन किसान बहनों की भूमि इसमें लगी है, जिन श्रमिकों का पसीना इसमें लगा है, जिन इंजीनियरों का कौशल इसमें लगा है, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।